हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस नॉलेज में। दोस्तों, शाहरुख खान को कौन नहीं जानता। बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख आए दिन सुर्खियों में छाए रहते हैं। वो लगभग पिछले 25 सालों से बॉलीवुड इंडस्ट्री में जमे हुए हैं। शाहरुख का परिवार भी बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में रहने वाला परिवार है। उनकी बीवी गौरी खान हो या उनके बच्चे आर्यन, सुहाना या अब्राहम, हर कोई किसी न किसी बात को लेकर सुर्खियों में आ ही जाता है। लेकिन क्या आपने कभी शाहरुख खान की बहन के बारे में कुछ सुना है? शायद नहीं। आपको बता दें कि शाहरुख खान की बहन का नाम सहनाज लालारुख खान है, जो कि शाहरुख से बड़ी हैं। सहनाज को बॉलीवुड की लाइमलाइट कभी पसंद नहीं आई। वह काफी लंबे समय तक डिप्रेशन में भी रही हैं। आपको पता होगा कि शाहरुख ने अपने माता पिता को काफी कम उम्र में ही खो दिया था। तब से सारी जिम्मेदारी शाहरुख के कंधों पर आ गई, क्योंकि शाहरुख की बहन अपने पेरेंट्स के मौत के बाद डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। शाहरुख ने एक इंटरव्यू में बताया था, अपने पिताजी को मृत देखकर सहनाज डिप्रेशन में चली गई थी। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की शूटिंग के वक्त भी सहनाज डिप्रेशन में थी। लगभग 2 साल तक डिप्रेशन में रहने के बाद शाहरुख उन्हें इलाज के लिए स्विट्जरलैंड ले गए। शाहरुख ने बताया कि तुझे देखा तो ये जाना सनम की शूटिंग के वक्त भी नजदीक के हॉस्पिटल में सहनाज का इलाज चल रहा था। इस इलाज के बाद उनकी हालत में कुछ सुधार तो आया, मगर वो पूरी तरह सही नहीं हो पाई। और तभी वो आज भी बॉलीवुड पार्टीज, लाइमलाइट, यहाँ तक कि शाहरुख की पार्टी से तक दूर रहते हैं, मगर फिलहाल वो अच्छी हैं। और वहीं शाहरुख एक बेहतर पिता, पति और एक भाई का फर्ज बखूबी से निभा रहे हैं। तो ये थे दोस्तों शाहरुख खान की बहन की डिप्रेशन की स्टोरी।